उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हो रहे एनकाउंटर पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। सुल्तानपुर डकैती में हुए मंगेश यादव के बाद अनुज सिंह के एनकाउंटर पर भी योगी सरकार पर बैलेंस करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सवाल उठाने के बाद अब गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने सवाल खड़े किए। अफजाल अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ महंत हो सकते हैं, पुजारी और मठाधीश हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। वह तो ग्राम प्रधानी भी चलाने के योग्य नहीं है। उनके इस बयान से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। वही हाल ही में गाजीपुर में हुए पुलिस एनकाउंटर में मोहम्मद जाहिद को ढेर कर दिया गया। जाहिद पर आरपीएफ जवानों की हत्या में शामिल होने का आरोप था। गाजीपुर सांसद ने इस एनकाउंटर पर भी सवाल उठाते हुए इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि पुलिस को कानूनन किसी का एनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है। फर्जी एनकाउंटर करके किसी को घर से ले जाकर गोली मार दी जाती है, कभी किसी के पैर में तो कभी किसी के सिर में गोली मारी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोगों ने पुलिस द्वारा किए गए जा रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाना शुरू किया, तब पुलिस ने जाति संतुलन बनाने के लिए एक ठाकुर को भी मार दिया। अफजाल अंसारी का कहना है कि पहले एनकाउंटर हुआ वह भी हत्या थी और अब जो हुआ है वह भी हत्या है। दोनों मामलों में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं, वो किसी मंदिर के मठ के पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों के कुशल विशेषज्ञ हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब, प्रधानियों चलावे जो लिखाऊंगे, ये तो बहुत बड़ा पद है। लोकतंत्र की व्यवस्था है, उतना एमएलए लोग मिलकर बटूर के उनके मान लेने तो हो गए ना। सांसद जी देखा जाए तो सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ अगर उनके जाति के लोगों का इनकाउंटर होता है तो वह बोलते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा है कि किसी का इनकाउंटर पुलिस को करने का कानून में अधिकार नहीं है। फर्जी इनकाउंटर घर से ले जाइए, पकड़ के गोली मार दीजिए, क्यों का गोड़ में मार दीजिए, क्यों का छाती पे मार दीजिए, क्यों का कपार में मार दीजिए। जब आरोप लगने लगा सही कर्नल के वो ठाकुरों पे मार दिया जाओ। आपने जो पहले किया वो भी हत्या थी, और जो यादव के हत्या के बाद ठाकुर की हत्या किया बैलेंस करने के लिए, ये भी हत्या है। दोनों हत्या है, अब दोनों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोनों परिवार के पीड़ितों के पक्ष में माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खड़ी है। हम सब लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं।